morning students. Today we will be start STFC organs. In human, four main STFC organs. First kidney, second ureter, third urinary bladder and urethra. So previous lecture will be discussion kidney. Today will be start ureter. So guys, ureter is a narrow tube with thick muscular walls, comes out from the hilum of kidney, is called urethra. तो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान यहां पर ये देना है कि यूरेटर जो है वो थिक यानी मोटा मस्कुलर यानी मसल से कवर यानी कि मोटा मसल से कवर एक वॉल है, एक पाइप समान स्ट्रक्चर है जो मोटी है. तो मैं रिपीट कर रहा हूं उसको कि ए नैरो अंदर से सकरी मतलब अंदर से नैरो टाइप में हो, ए नैरो ट्यूब विद थिक मोटी हो और मस्कुलर हो, विद थिक मस्कुलर वॉल्स कम्स आउट फ्रॉम द हाइलम ऑफ किडनी इज कॉल्ड यूरेथ्रा. जो हाइलम पार्ट से किडनी के हाइलम पार्ट से निकलती है और वो यूरेटर कहलाता है. गाइस यूरेटर जो है नैरो ट्यूब जो मोटी लेयर से कवर्ड रहती है, इंटरनल जो उसका डायमीटर है वो थिक होता है, नैरो होता है और उसका जो आउटर मास जो लेयर है वो थिक होती है. सेकंड हम बात करते हैं यूरेटर के अंदर, इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट इन द किडनी. गाइस ध्यान रखना, इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट इन द किडनी इज वाइड एंड फनल शेप्ड व्हिच इज कॉल्ड पेल्विस. जो यूरेटर है उसका जो ओपनिंग पार्ट है मतलब एंटीरियर पार्ट जो है वो थोड़ा फनल टाइप का होता है और वो जहां उस फनल टाइप के जो एरिया है किडनी से वो अटैच होगा और उस पार्ट को हम कहते हैं पेल्विस. क्या कहेंगे उसे? पेल्विस कहेंगे. नॉर्मल ध्यान रखना कि इट प्रॉक्सिमल पार्ट इन द किडनी, इसका जो प्रारंभिक पार्ट है जो चौड़ा होता है किडनी इज वाइड एंड फ्यूनल शेप्ड व्हिच इज कॉल्ड पेल्विस, वो पेल्विस कहलाता है. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ए पेल्विस, तो नॉर्मली इसका आंसर क्या होगा कि पेल्विस इज ए प्रॉक्सिमल पार्ट इन द किडनी इज वाइड एंड फ्यूनल शेप्ड. सेकंड बात हमने की, थर्ड इसमें हम बात करते हैं कि बोथ यूरेटर्स यानी कि किडनी से स्टार्ट होने वाले बोथ यूरेटर्स, बोथ किडनी से यूरेटर्स निकलेंगे. यूरेटर्स जो होते हैं उनकी लेंथ अबाउट 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, तो बोथ किडनी से यूरेटर निकलते हैं. तो ध्यान दीजिए, बोथ द यूरेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द पेल्विस. अब जो यूरेटर्स हैं वो किडनी के किस पार्ट से स्टार्ट होंगे? पेल्विस से. ओपन बिलो इन यूरिनरी ब्लेडर, और ओपन कहां होंगे? यूरिनरी ब्लेडर में, यानी कि वो खुलेंगे कहां पर? स्टार्ट तो हमने कह दिया कि स्टार्ट जो होंगे यूरेटर वो किडनी के पेल्विस पार्ट से स्टार्ट होंगे, बट वो ओपन कहां होंगे? तो ओपन जो होंगे बोथ यूरेटर्स वो यूरिनरी ब्लेडर में ओपन होंगे. अब ये जो यूरेटर है मेनली फंक्शन क्या करेगा? ये यूरेटर जो है ना मेनली जो बोथ किडनीज हैं बोथ यूरेटर्स जो हैं कलेक्ट करते हैं यूरिन को, और यूरिन को कहां लेके जाते हैं? यूरेथ्रा, ओ सॉरी, अपने यूरिनरी ब्लेडर में लेके जाते हैं और यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा के माध्यम से उस यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है या एक्सक्रेशन कर दिया जाता है बॉडी से. गाइस मैंने अभी यहां पर 3 पॉइंट्स देखे हैं यूरेटर्स के. पहले हमने बात की यूरेटर्स की, क्या बात की कि जो किडनी से नैरो टाइप में थिन मसल से डेवलप्ड जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो यूरेटर कहलाता है, और जबकि यूरेटर जो है वो किडनी के जिस पार्ट से जुड़ा होता है यानी कि उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है किडनी के जस्ट, देखो किडनी का तो पोस्टीरियर पार्ट हो गया और अपने यूरेटर का एंटीरियर पार्ट हो गया, दोनों जहां पर अटैच हो रहे हैं वो पार्ट या भाग जो है वो पेल्विस कहलाता है, और वो जो पेल्विस है ना इस पेल्विस से ही
अपने दोनों यूरेटर से यूरेथ्रा के यूरेथ्रा से अटैच हो जाते हैं। तो देखना कि बोथ द यूरेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द पेल्विस, पेल्विस से तो स्टार्ट होते हैं, और पेल्विस कहाँ जुड़ा हुआ था, किडनी से, जो चौड़ा जगह होती है किडनी के अंदर वो पेल्विस कहलाती है। और अपने यूरेटर्स कहाँ से जुड़े हुए होंगे, पेल्विस से, और ओपन कहाँ होंगे, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। गाइस पूछ लिया जाता है कि जो यूरेटर्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं और ओपन कहाँ होंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट उनका होगा पेल्विस और ओपनिंग पॉइंट होगा बिलो यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेटर के अंदर कि द वॉल्स ऑफ यूरेटर्स, जो यूरेटर्स जो वॉल है वो थिक मसल से डेवलप वॉल है। देखिए द वॉल्स ऑफ यूरेटर्स आर थिक एंड मस्कुलर। मैंने क्या कहा कि यूरेटर की जो वॉल है वो मोटी होती है और मस्कुलर होती है, मसल से डेवलप मोटी होती है, लेकिन इनर डायमीटर उसका नैरो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेटर्स के अंदर कि दीज मसल्स टू फॉरवर्ड यूरिन डेवलप पेरिस्टेटिक वेव्स। अब सिंपली गाइस यहां पे क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली क्वेश्चन यहां पर क्या जनरेट हो जाता है कि अमूमन हम जानते हैं कि यूरेटर्स जो है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके आता है, ठीक है, लेकिन यूरेटर में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिससे यूरिन आगे की तरफ बढ़ता रहता है या यूरिनरी ब्लेडर की तरफ फ्लो करता है। तो गाइस ध्यान रखना कि जो हमने अभी आपसे बात करी थी कि द वॉल्स ऑफ यूरेटर्स आर थिक एंड मस्कुलर, यानी कि मोटी मस्कुलर वॉल जो है, जो मसल से डेवलप है, वो मसल्स क्या करती हैं उस यूरेटर्स के अंदर वेव्स को क्रिएट करती हैं, और जैसे ही वेव्स क्रिएट होती हैं तो यूरेटर से जो यूरिन है आगे की ओर फ्लो होना स्टार्ट होता है और वो यूरिनरी ब्लेडर में एंटर कर जाता है। तो देखो हम रिपीट करते हैं कि दीज मसल्स, यानी कि जो अपने यूरेटर में मसल्स जो हैं वो वेव से क्रिएट करती हैं जिसे यूरिन यूरिनरी ब्लेडर में एंटर करता है। तो दीज मसल्स टू फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड आगे की तरफ भेज देती है यूरिन को, एंड डेवलप पेरिस्टेटिक वेव्स, और पेरिस्टेटिक वेव्स उत्पन्न होने से जो यूरिन है या पेरिस्टेटिक जो वेव्स हैं वो मसल्स में क्रिएट होंगी, और उस पेरिस्टेटिक वेव्स के थ्रू यूरिन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है आगे की ओर। अब हम सेकंड बात करेंगे एस्टेटरी ऑर्गन में रोल प्ले करने वाले यूरिनरी ब्लेडर का, यूरिनरी ब्लेडर। तो गाइस देखिए एस्टेटरी सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इजी वे में आप पढ़िए, डोंट टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय इतना अपने पास है नहीं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन जो चल रहा है उसके अंतर्गत हम अपनी स्टडी को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और मैं जितने भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं उनमें सभी नोट्स को मैंने सही तरीके से राइट किया है ताकि आप वीडियोस को लिसन के साथ साथ में राइट भी करते रहें, ताकि नेक्स्ट जो जैसे ही स्कूल ओपन होंगे वहां पर आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसलिए आप वीडियो को देखने के बजाय सुनने के बजाय इन नोट्स को राइट करते हुए भी आप चलें। एस्क्रिटरी ऑर्गन्स में सेकंड बात हम कर रहे थे यूरेटर्स की, यूरेटर्स जो हैं बोथ किडनीज से ओपन होते हैं या स्टार्ट होते हैं, और बोथ किडनीज के पेल्विस पार्ट से स्टार्ट होते हैं। अब जो यूरेटर्स हैं स्टार्टिंग पॉइंट उनका होगा पेल्विस जो किडनी से अटैच है, लेकिन इनका एंडिंग पॉइंट होगा यूरिनरी ब्लैडर। गाइस ध्यान रखना कि जो अपना यूरेटर्स है वो थिक मसल्स यानी मोटी मसल से डेवलप रहता है, और वो जो मसल्स होती हैं उनमें पेरिस्टेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं जिससे यूरिन आगे की ओर बढ़ता है। सेकंड बात कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर जो है ना एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैग आपने देखा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए इट इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, गाइस रिपीट, इट इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच यूरिन इज कलेक्टेड परमानेंटली। यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर का कैपेसिटी अबाउट 700 ml टू 800 ml होता है। यहां पर क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लेडर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो
यूरिनरी ब्लैडर इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये है या क्या है, एक बैग के समान संरचना है, इन विच यूरिन इज कलेक्टेड, और इसके अंदर जो यूरिन स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है। अब देखिए देखिए मैंने आपसे बात करी थी कि यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें एक वॉल प्रेजेंट होती है, अनस्ट्रिप्ड वॉल होती है, वो अनस्ट्रिप्ड मसल से डेवलप होती है। वो वॉल क्या करती है कि अपने यूरेथ्रा को कि जो ऊपर वॉल होती है उसको कसकर बांधे रखती है, जिससे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर ना निकल सके या उसका एक्सक्रेशन ना हो सके। तो उसको हम नॉर्मली देखते हैं क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना वो नॉर्मली 3 लेयर से डेवलप होता है, उनकी जो लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं इसको रिपीट करता हूं, यूरिनरी ब्लैडर को इट इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच यूरिन इज कलेक्टेड परमानेंटली, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और ये यूरिन को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, और approximately about 700 ml to 800 ml, जो 800 ml urine इसके अंदर स्टोर होता है। Next हम urinary bladder में discussion करते हैं कि these are the three layers in this walls, जो urinary bladder की wall है वो three types की layers से develop होती है, और वो layer कौन-कौन सी हैं? First है external layer, तो external layer जो होगी वो किस से develop होगी, वो होगी serosa और peritoneum। मतलब अरेखित पेशियां जिसमें स्पेशली आकार की कोई मसल्स नहीं होती हैं, ये अरेखित मसल से डेवलप होती हैं जिसे अरेखित पेशियां कहते हैं, यानी कि मिडिल जो लेयर है अनस्ट्रिप्ड मसल्स से डेवलप होता है। थर्ड है इंटरनल लेयर, ये जो इंटरनल लेयर है इनर मास लेयर जिसे हम कह सकते हैं, एक्सटर्नल को आउटर मास लेयर कह सकते हैं और मिड वाली को मिडिल लेयर कह सकते हैं। तो इंटरनल हो गया, मिडिल हो गया, थर्ड है एक्सटर्नल जिसे आउटर मास लेयर भी हम कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर के वॉल का। तो देखिए जो इंटरनल था वो तो सीरोसा पेरिटोनियम से कवर्ड था, उसकी सेल से कवर्ड था। सेकंड था मिडिल लेयर, वो है अनस्ट्रिप्ड मसल से डेवलप हो रहा है, जबकि इंटरनल लेयर जो है वो म्यूकस लेयर से डेवलप होती है, यानी म्यूकस सेल्स जो होती हैं वो इंटरनल लेयर्स को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट हम यूरिनरी में बात करने वाले हैं कि यूरिनरी ब्लैडर इज कौन से, यूरिनरी ब्लैडर जो है कौन से, कौन मतलब आपने शंख देखा होगा, टेंपल्स में जो शंख होते हैं उसी की स्ट्रक्चर का यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ विच द अपर पार्ट इज वाइड, अपर पार्ट जो होता है थोड़ा वाइड होता है, एंड लोअर पार्ट इज नैरो, और लोअर पार्ट जो होता है वो संकरा होता है। तो गाइस ध्यान रखना कि अपर पार्ट जो होता है वो वाइड होगा एंड जो लोअर पार्ट है या लोअर पार्ट जो है वो नैरो होगा। नैरो का मतलब हो गया कि वो यूरेथ्रा से कनेक्ट होगा जिसे यूरिन पास होता है। तो ध्यान रखना कि यूरिनरी ब्लैडर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ विच द अपर पार्ट इज वाइड एंड लोअर पार्ट इज नैरो। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर कि द नैरो पार्ट ओपन बाय ए एपर्चर इन यूरेथ्रा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर का लोअर पार्ट कहाँ ओपन होता है, तो यूरेथ्रा के अंदर, क्योंकि यूरेथ्रा इज जो है वो यूरिन को एक्सक्रीट करता है बॉडी से। तो द नैरो पार्ट ओपन बाय ए एपर्चर इन यूरेथ्रा। नेक्स्ट अब डिस्कशन करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कि इन मेल द यूरिनरी ब्लैडर इज सिचुएटेड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल में जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, तो गाइस ध्यान देना कि मेल में जो यूरिनरी ब्लैडर है वो रेक्टम के फ्रंट में सिचुएटेड होता है, जबकि फीमेल्स के अंदर ये जस्ट अबव वजाइना, यानी फीमेल्स में वजाइना के अबव होता है और मेल्स के अंदर ये होगा फ्रंट ऑफ रेक्टम। तो गाइस ध्यान रखना इधर, इन द मेल द यूरिनरी ब्लैडर इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। मेल के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कहां सिचुएटेड होगा, रेक्टम के फ्रंट पर, ठीक है, रेक्टम के आगे। दूसरी बात करते हैं, एंड इन फीमेल, फीमेल में कहां होगा, फीमेल में होगा जस्ट अबोव वजाइना, यानी कि वजाइना के जस्ट अबोव, यानी कि उसके ऊपर, जस्ट ऊपर होगा। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर में हम डिस्कशन करते हैं कि यूरिनरी जो ब्लैडर है उसकी कैपेसिटी कितना है। तो यूरिनरी ब्लैडर 700 ml to 800 ml यूरिन कुड बी कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी जो ब्लैडर है 700 से 800 ml यूरिन को कलेक्ट कर सकता है, इससे ज्यादा इसका कैपेसिटी नहीं होता है। और मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया था कि यूरिनरी जो ब्लैडर है वो कौन शेप्ड होता है, कैसा होगा, कौन शेप्ड होगा, और उसका अपर पार्ट जो होता है वो वाइड होता है एंड लोअर पार्ट जो होता है वो नैरो होता है। नेक्स्ट, उस यूरिनरी ब्लैडर का जो नैरो पार्ट है वो यूरेथ्रा में ओपन होता है। आगे बात करते हैं यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा जो होता है मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे फीमेल में प्रेजेंट होता है, लगभग 4 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है, लेकिन मेल में ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यूरेथ्रा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले हम नॉर्मली यूरेथ्रा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ए डक्ट कम्स आउट, यानी कि एक ऐसी नलिका कम्स आउट फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। गाइस मैं हिंदी में बताना चाहूंगा इसको कि एक ऐसी नलिका जो यूरिनरी ब्लैडर की गर्दन से निकलती है। अब ध्यान देना, मैं स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं कि मैंने यहां पर ये किडनी की स्ट्रक्चर आपको यहां नॉर्मल तरीके से समझाने के लिए बना दी है। यहां से ये जो यूरेटर्स निकल रहा था और इसके जस्ट नीचे था यहां पर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये जो ट्यूब निकल रही है ये ट्यूब यूरेथ्रा होती है। तो गाइस ध्यान रखना कि ए डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की नेक से जो एक डक्ट निकलती है आर कॉल्ड यूरेथ्रा, वो यूरेथ्रा कहलाती है। यूरेथ्रा में नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, यूरिन इज एक्सक्रेटेड आउट थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा स्पेशली फंक्शन क्या करेगा, यूरिन को एक्सक्रेट करेगा आउट थ्रू द यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा से बाहर। लेकिन यूरिन जो है वो स्टोर्ड कहां होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन का पीएच कितना होता है, यूरिन का पीएच, गाइस देखो यूरिन को देखते हुए यानी कि मूत्र को देखते हुए हमें घृणा सी उत्पन्न हो जाती है। हम छी जैसा शब्द वर्ड निकाल लेते हैं और छी का मतलब होता है छह, छी के छी से छह बनता है, तो यूरिन का पीएच अबाउट छह। ओके, तो देखिए यूरिन इज एस्क्रेट आउट थ्रू यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा जो है यूरिन को एस्क्रेट करता है और बॉडी से। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं यूरेथ्रा के अंदर, मस्कुलर वॉल्स इज प्रेजेंट ऑन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर स्पेंसिटर मसल से डेवलप वॉल प्रेजेंट होती है। देखिए मस्कुलर वॉल्स इज प्रेजेंट ऑन द यूरेथ्रा व्हिच नॉर्मली कैप्स इट, which normally keeps the urethra closed tightly। तो गाइस इस पॉइंट को थोड़ा हम गौर से देखेंगे कि मस्कुलर वॉल्स, ध्यान रखना यहां पर एक वॉल्स प्रेजेंट होगी, वो वॉल्स क्या करती है यूरेथ्रा को टाइटली कवर्ड रखती है। व्हाई, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्ड यूरिन एक स्पेशल क्वांटिटी के बेस पर। नॉर्मली यहां पे देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर कितना क्वांटिटी यूरिन का स्टोर कर सकता है, 700 से 800 ml। इस दौरान क्या होगा, वो जो मस्कुलर वॉल है वो मस्कुलर वॉल यूरेथ्रा के जस्ट नीचे जो सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे जो यूरेथ्रा है उसके ऊपर एक वॉल प्रोजेक्ट होती है, उस वॉल को मसल से कवर रखा जाता है या मसल से कवर होती है, उसको टाइटली कवर्ड कर दिया जाता है ताकि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन ना निकले, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन ना निकले, इसलिए उसको वहां पर टाइट रखा जाता है। यानी कि मस्कुलर वॉल्स इज प्रेजेंट ऑन द यूरेथ्रा व्हिच नॉर्मली कीप्स, यानी कि सामान्य अवस्था में वो वहां पर उसको टाइट रखती है, कीप्स द यूरेथ्रा क्लोज टाइटली, उसको कसकर बांधे रखती है। अब आगे नेक्स्ट हम यूरेथ्रा में डिस्कशन करते हैं कि एट द टाइम ऑफ पासिंग यूरिन, जब हम यूरिन को पास करते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति आ जाए कि यूरिनरी ब्लैडर भर जाए और यूरिन को एक्सेप्ट करने का कंडीशन आ जाए, तो एट द टाइम ऑफ पासिंग यूरिन वॉल्स रिलैक्स, वो जो वॉल्स टाइट थी यूरेथ्रा को बांधे हुए थी वो रिलैक्स हो जाती है और यूरिन एक्सक्रेट हो जाता है। देखिए रिलैक्स एज सच यूरिन एक्सक्रेट आउट इजिली, और यूरिन को इजिली एस्केट कर दिया जाता है बॉडी से। इसको आप दोबारा देख लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को कि मस्कुलर वॉल जो होती है वो यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती है,
नॉर्मली कंडीशन के अंदर जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो रहा होता है तो वो यूरेथ्रा को क्लोजली टाइट मतलब इस तरीके से कवर रखती है, कसकर बांधे रखती है ताकि यूरिन बाहर एक्सक्रीट ना हो। और जब यूरिन को एक्सक्रीट करने की पोजीशन आ जाती है उस समय वो जो वॉल है मस्कुलर वॉल वो रिलैक्स हो जाती है जिसे हम यूरिन को एक्सक्रीट इजीली कर देते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं यूरेथ्रा के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट है कि इन मेल यूरेथ्रा इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मेल के अंदर यूरेथ्रा है वो अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड फीमेल में 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो गाइस देखना कि इन मेल यूरेथ्रा इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पासेस थ्रू इट द पेनिस। और लास्ट में ये कहां तक रहता है, पेनिस के एंड तक रहता है। कि नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन एंड सीमेन बोथ डू पास पुट थ्रू इट। जो यूरेथ्रा है ये टू फंक्शंस करता है, यूरिन को एक्सक्रीट करता है एंड सीमेन को भी वहां से एक्सक्रीट इसी के द्वारा किया जाता है। यानी कि यूरेथ्रा जो है टू फंक्शन यहां पे क्रिएट कर रहा है, यूरिन को भी एक्सक्रीट कर रहा है और सीमेन को भी एक्सक्रीट कर रहा है। तो देखिए यूरिन एंड सीमेन बोथ डू पास पुट थ्रू इट, इसके द्वारा दोनों चीजें पास या पास की जाती हैं। नेक्स्ट फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, फीमेल में यूरेथ्रा अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड ओनली यूरिन पासेज थ्रू इट। गाइस हमने अभी क्या कहा कि मेल में यूरेथ्रा टू फंक्शंस कंप्लीट कर रहा है, पहला यूरिन को पास आउट कर रहा है और सीमेन को भी पास आउट कर रहा है, जबकि फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा ओनली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और वो स्पेशली फंक्शन क्या करेगा, ओनली यूरिन को पास करेगा। नेक्स्ट इन मेल यूरेथ्रा इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। जो मेल यूरेथ्रा है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है प्रोस्टेटिक या यूरेथ्रल पार्ट, सेकंड है मेम्ब्रेनस पार्ट और थर्ड है पीनियल पार्ट। तो गाइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि यूरेथ्रा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यूरेथ्रा को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है प्रोस्टेटिक पार्ट, सेकेंड है मेम्ब्रेनस पार्ट और थर्ड है पीनियल पार्ट। तो गाइस हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं और बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं या फंक्शंस करते हैं उनके बारे में नॉर्मली हमने डिस्कशन किया है। और आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में बारीकी से सही तरीके से नोट करेंगे ताकि नोट्स की प्रॉब्लम आपको ना रहे।